झज्जर में विजिलेंस की टीम ने राजस्व विभाग के एक पटवारी को 37,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल विजिलेंस विभाग को किसान नरेंद्र सिंह से शिकायत मिली थी कि पटवारी द्वारा जमीन का इंतकाल करवाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। उसके बाद तय हुए दिन पर विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया, जिसकी पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सोनीपत जिले के गाँव सुशाना का रहने वाला है और इन दिनों झज्जर में ही कार्यरत है। इस मामले में दिलचस्प पहलू ये रहा कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद आरोपी ने टीम के सदस्यों को गच्चा देकर भागने का भी प्रयास किया। आरोपी पटवारी ने बचने के लिए पटवार भवन की छत से पीछे की ओर छलांग भी लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाता, टीम के सदस्यों ने भागकर उसे दोबारा दबोच लिया। आरोपी के भागने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नरेंद्र ने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी पटवारी हमारे से इंतकाल के नाम के पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को जैसे ही कंप्लेंट दी, हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। कितने पैसे मांगे मैडम पटवारी से? उन्होंने अब आज तो 37 है, 37,000 रुपये में रेड हैंडेड हुए हैं पटवारी, और पहले भी उनसे वो ले चुके हैं 5,000 रुपये। शिकायतकर्ता कहाँ से है? धारोली गांव से हैं जी शिकायतकर्ता। किस काम के एवज में पैसे? इंतकाल की एंट्री करने के उसमें लिए जी। भागने की भी कोशिश की थी इसने? हाँ जी, आज पटवारी ने यहाँ से जैसे ही पैसे लिए और एकदम से वो यहाँ से छत से कूद के और भागा, फिर हमारी टीम ने उसको कैच किया। मशक्कत तो करनी पड़ी होगी? हाँ जी सर, मशक्कत तो करनी पड़ी होगी। हाँ जी बिल्कुल, भारी मशक्कत करनी पड़ी, फिर पटवारी को हमने पकड़ लिया। अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा उन्हें? हाँ जी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, कल पेश कर देंगे। क्या नाम है मैडम आपका? डेजिग्नेशन। फिलहाल विजिलेंस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।